Let us start for the chapter formally that is measure of central tendency. As uh, you know now, this chapter is concerned with uh, another way of describing numerical data, namely measure of central tendency, commonly referred to as an average. Chapter, is chapter go to measure of central tendency. हम कॉमनली इसको हम एवरेज बोलते हैं अब ये ये जो एवरेज है आ, अगर मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस दूँ जैसे हम कहते हैं कि जी सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर इज लीडिंग रन स्कोर फ्रॉम इंडिया विद एन एवरेज ऑफ 53.42. व्हाट डज इट मीन इसका मतलब क्या सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरे लाइफ टाइम में 53.42 रन हर टाइम 53.42 रन्स रन स्कोर किए नहीं ऐसा नहीं है अरे कभी उसने 278 स्कोर भी भी दिया इंडिया को कई बार वो जीरो पे आउट हो गए लेकिन यहाँ पे एक सिंगल डिजिट जो यहाँ पे एक एवरेज रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो सिंगल वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ डेटा इट पिन पॉइंट द सेंटर ऑफ द वैल्यूज व्हेन इट पॉइंट आउट द सेंटर ऑफ द वैल्यूज दैट्स वाई द अनदर नेम विच इज गिवन फॉर द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी दैट इज एन एवरेज सो so, एवरेज means ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर ए group ऑफ डेटा और हमें क्या चाहिए अभी तक हमारे पास एक रॉ डेटा था और उस रॉ डेटा को हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक मीनिंगफुल फॉर्म है और इसीलिए हम क्या करते हैं data को ऑर्गेनाइज करते हैं उसका frequency डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसको graphically पोर्ट्रे करते हैं हिस्टोग्राम बनाते हैं पॉलीगॉन्स बनाते हैं और उसके बाद हम अदर टूल्स की हेल्प लेकर के उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से आज हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए जो कि एक पूरी सीरीज़ की और एक जितनी भी सीरीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब कर सकें अब हम सचिन तेंदुलकर का किसी और प्लेयर के साथ अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं भाई यही तो एवरेज है तो इट मीन्स वट आई कैन कॉल इट एज इट फैसिलिटेट्स कंपेरिशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और अगर हमें कुछ एक स्टेटिस्टिकल इन्फर करना है तो भी मुझे इसी वैल्यू से इसी एवरेज की वैल्यू से जो एवरेज मेरी एक सैंपल से आती है उसी एवरेज को मैं पॉपुलेशन में जनरलाइज करूंगा मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प आउट करता है अब मुझे किस प्लेयर की कौन सी एवरेज है मुझे उसको बेस्ट इलेवन में रखना है या बेस्ट ट्वेल्व में रखना है क्या करना है तो ये एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आज मुझे एवरेज की ज़रूरत इसलिए है कि हम उस एवरेज को उस वैल्यू से हम पूरे डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए तो बस इसी के अराउंड ये चैप्टर जो है वो घूमेगा आपका विच इज टू बी नोन हेयर एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कॉमनली रेफर टू एज एन एवरेज देखिए इससे पहले हमने स्टैटिक और स्टैटिस्टिक्स की बात करी थी अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्टैटिक और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है तो देखिए स्टैटिक क्या है स्टैटिक है वन फिगर इसलिए हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं वन फिंगर इज सिंगुलर फॉर्म जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड इज टू थाउजेंड रुपीज ऑन ए पर्टिकुलर डे तो दिस इज अ स्टैटिक अब आपका सी जी पी ए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज अगर इज सेवन तो देन इट इज अगेन स्टैटिक टोटल रिटेल सेल्स फॉर द मे इज थर्टी वन बिलियन अगेन इट इज ए स्टैटिक लेकिन जब मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा तो स्टैटिक्स इज ए कलेक्शन फॉर्म में लेते हैं अब जैसे मैंने ये कहूं एक कलेक्शन ऑफ डेटा किया कि फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फ्लॉर ऑर्डर आर रिसीव फॉर फादर्स डे थर्टी थाउजेंड ट्रेवल एजेंसी इन इंडिया टू पॉइंट टू परसेंट ऑफ द लेबर फोर्स इंप्लॉयड इन फार्मिंग तो यह क्या है मेरे पास दिस इज नोन एज स्टेटस्टिक्स इसलिए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटस्टिक्स एज बी एक्सप्लोर इट इन द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स वुड शो यू द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ दैट तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे डेटा को जो न्यूमेरिकल फैक्ट और फिगर्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको पब्लिश कर का उसी को तो हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तो इसलिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स इन द प्लोरल सेंस तो तभी हम कंपेरिजन कर पाएंगे दिस इज द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स अब जैसे न्यूमेरिकल डेटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन प्रोडक्शन प्राइस नेशनल इनकम क्राइम्स लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट हाउसेस एटसेट्रा लेकिन स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस को तो हम सिर्फ स्टैटिक बोलेंगे ना कि स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तभी दैट्स वाई इट इज नोन एज स्टैटस्टिकल इन सिंगुलर सेंस इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मैथड लेकिन प्लोरल सेंस में ही स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है जिसको कि हम इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं किस लिए करते हैं फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ये हमारे पास सोशल साइंटिस्ट सैक्रिस्ट ने जो है वो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है कि वह स्टेटस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मार एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज नमरिकली एक्सप्रेस इनमेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्रेसी कलेक्टेड इन ए सिस्टम मैनर फॉर ए प्री डिटर्माइन परपज एंड प्लेस इन रिलेशन टू इच अदर ये आपको समझ आ जाएगी वर्ड टू वर्ड समझ आ जाएगी जब हम नेक्स्ट लाइज को पढ़ के आएंगे और इसको मैंने सिंपल टर्म में आपको क्या बता दिया कि जी ये साइंस किस चीज की है कलेक्शन की है ये साइंस किस की है ये ऑर्गेनाइजेशन की है साइंस किसकी प्रेजेंटेशन की है ये एनालाइजिंग है इंटरप्रिटेशन है न्यूमेरिकल डेटा की तो आज हम बात करेंगे मेचर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको मैंने आपको एक ब्रॉडर टर्म में कहा दैट इज टू कॉल्ड हेयर एज एन एवरेज देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यहां भी डिफाइन करने की कोशिश करी है द सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप इज सिलेक्टेड विच में कन्वे ए फेयरली एडिक्वेट आइडिया अबाउट द होल ग्रुप तो मैंने भी अभी आपसे क्या कहा मैंने भी ये कहा कि एक सिंगल वैल्यू जो एक एंटायर सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर देती है और ये वैल्यू जो है आपके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आइटम्स के बीच की है तभी तो मैंने सचिन तेंदुलकर का आपको बताया कि 278 स्कोर भी है जीरो स्कोर भी है लेकिन 53.52 जो है वो समथिंग इन दो वैल्यूज इन टू एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में है तभी तो हम इस वाई इट इज टू बी रे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड दिस सिंगल एक्सप्रेशन इज नोन एज एवरेज सो एवरेज आर सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देर फोर दे आर आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यही तो बात हमने आपसे कही देखिए अब यहाँ पे जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है अब मैं इसको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ तो देखो मैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को तीन आ, जो मेन है उसमें आ, डिवाइड करता हूँ एक होती है मैथेमेटिकल एवरेज दूसरी होती है पोजिशनल एवरेज और तीसरी होती है स्पेशल एवरेज ये जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें आते हैं आपके अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हारमोनिक कि वन फोर एंड फाइव पोजीशन जो पोजीशनल एवरेज बताता है वो है मेरे पास मीडियन और मोट और उसके बाद मेरे पास स्पेशल एवरेज है जिसका मैंने अभी तक रेफरेंस नहीं किया वो आगे आएगी उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज और प्रोग्रेसिव एवरेज तो इस तरह से मेरे पास जब हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं तो हमारे पास तीन बेस होते हैं मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल एवरेज सेवल एवरेज लेकिन यहाँ पे मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज तो मैथमेटिकल एवरेज में वन फोर एंड फाइव और पोजिशनल एवरेज में मेरे पास आ जाते हैं टू और थ्री अगर मैं इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करूँ जिसको कि हम कॉमनली मीन मीडियन मोड कहते हैं अब देखिए अर्थमेटिक मीन जिसको कि इट इज़ पॉपुलरली नोन एज मीन शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है शॉर्ट फॉर्म इसको हम मीन से पुकारते हैं इसलिए जब भी मैं मीन की बात कहूं तो समझ लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे अर्थमेटिक मीन देखिए अब फीचर्स ऑफ गुड एवरेज एक एवरेज कैसा होना चाहिए इट शुड बी रीजनली डिफाइंड रिजिडली डिफाइंड का मतलब है कि आप किसी भी डाटा के ऊपर उसको अप्लाई करें कोई भी मेथड अप्लाई करें लेकिन उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू कैलकुलेट तो ये तो सिंपल सी बात है हर आदमी उसको अंडरस्टैंड करे हर आदमी उसको कंप्यूट कर सके हर आदमी उसकी कैलकुलेशन कर सके इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा ये नहीं है जैसे मान लीजिए कि मेरे पास टेन ऑब्जर्वेशन uh, तो टेन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए ना कि सिर्फ दो वैल्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए इट शुड बी ईजिली सब्जेक्टेड टू फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए हम अर्थमेटिक मीन के बाद हम कंबाइंड मीन की बात भी करेंगे क्यों करेंगे ऐसे मैं आपको यहीं से इंस्टार्स बताता हूँ मान लीजिए कि एक फैक्ट्री की एवरेज सेल ही आती है मीन सेल आती है बी की मीन सेल आती है सी की मीन सेल आती है और वो सारी एक ही इंडस्ट्री से हैं तो मुझे क्या चाहिए इंडस्ट्री की एवरेज चाहिए और अगर ये इंडस्ट्री की एवरेज है तो उसी से हम कंपेरिजन कर सकते हैं एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग अब इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं एक पूरे पॉपुलेशन में से पूरे डेटा में से एक सैंपल लूँ तो भी रिजल्ट सेम आए अगर मैं दूसरे कॉर्नर से सैंपल लूँ तो भी रिजल्ट सेम होना चाहिए इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग तो और सबसे जो कॉमन फॉर्म है इसमें जो एवरेज में जैसे मैंने कहा वो है हमारी अर्थमेटिक मीन व्हेन द पीपल आस्क अबाउट द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कोर्स दे यूजली आर रेफरिंग टू द मीन जब भी हम एवरेज की बात हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाती है कि ये तो मीन की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है अब किस डेटा के लिए कौन सी एवरेज के लिए कौन सा मेथड आपने यूज करना है वो डिपेंड करेगा वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम सारी टर्म्स के को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसा डेटा अवेलेबल अब बताइए कौन सी एवरेज हमने लगानी है सो so, दब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आर्थमैटिक मीन इज सिंपली डिवाइडिंग द सम ऑफ वेरिएबल बाई द टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओके अब मैं इसके लिए आपको सबसे पहले तीन बातें आपसे डिस्कस करूंगा देखिए यहां पे जब भी हम एर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास तीन तरह का डेटा अवेलेबल होगा पहले मैं ब्रॉडली उसको कह सकता हूं कि एक होता है अनक्लासिफाइड अनग्रुप्ड डेटा अनक्लासिफाइड डेटा जिसकी ग्रुपिंग नहीं है उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं ठीक है जी और दूसरा जो मेरे पास ग्रुप डेटा आता है उसकी दो सीरीज होती है एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तो ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो मेरे पास तीन तरह का डेटा होगा एक होता है इंडिविजुअल सीरीज जिसको मैं अनक्लासिफाइड और अनग्रुप डेटा भी बोलूंगा यानी कि जिसको मैंने कभी भी ग्रुप फॉर्म में नहीं लिया है मतलब ना तो मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है जैसा डाटा कलेक्ट किया एज इट इज है उसको मैं इंडिविजुअल सीरीज बोलूंगा उसके बाद ग्रुप सीरीज़ में डिस्क्रीट सीरीज है डिस्क्रीट में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे वन टू थ्री फोर यानी कि बीच में जब गैप होता है और वो जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं तभी तो मैंने कहा था कि आपके पास कित आपके कितने चिल्ड्रन हैं आपके कितने भाई ब्रदर सिस्टर हैं तो आप बोलते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन कंटिन्यू सीरीज़ में गैप नहीं होता अब आप बोलेंगे वेट वेट ऐसा तो नहीं है वन के से सीधा टू के हो जाएगा पहले वन के जी हंड्रेड ग्राम वन के जी टू हंड्रेड ग्राम वन के दैट इज टू बी कॉल एज इज ए कंटिन्यूस सीरीज तो आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट है कि आपने पहले बुक में ये देखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये कौन सी सीरीज़ है क्योंकि सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ही फार्मूला बनेगा तो इंडिविज तो मैंने क्या कहा दो तरह के डाटा

अब यहाँ पे ये मेरा फार्मूला आ गया क्या आ गया ये दिस इज़ द इन सिग्नी ऑफ द सन तो समीशन ऑफ आई इज फ्रॉम वन टू एन वन यहाँ पे एक्स वन है कहाँ तक एन तक किसकी वैल्यू एक्स आई की आई का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जितनी भी वैल्यूज़ हैं आर एन दैट इज़ टू बी डिवाइडेड बाई एन ये मेरा फार्मूला बन गया तो जो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है वो होंगी जैसे फोर है सिक्स है टेन है एट है नाइन है टेन है इलेवन है वो वन टू थ्री फोर बन जाएंगी ये मेरा फार्मूला बन गया तो मीन अच्छा एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स बार होता है ये एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन तो हम एक्स बार ना लिख करके ये मीन का सिंबल है एक्स बार का मतलब अगर एक्स के ऊपर मैं ऊपर लाइन लगा दूंगा तो ये सिंबल किसका बन गया मीन का सिंबल बन गया तो मीन इज इक्वल टू आई इज फ्रॉम वन टू एन समिशन ऑफ वन इज फ्रॉम वन टू एन ऐसे पढ़ते हैं डिवाइडेड बाय एन एन मीन टोटल नंबर ऑफ चलिए इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं फाइंड मीन ऑफ द डेटाटीन सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेल्व एंड इलेवन देखिए ये सारे डेटा जो है कौन सा है जी इंडिविजुअल है तो अभी मैंने कहा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रॉम समन टू एन किसका जितने भी हैं डिवाइडेड बाई एन तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितने हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट तक हैं डिवाइडेड बाई एट तो ये देखिए टोटल आ गया इसका टोटल को एट से डिवाइड किया तो मेरा ऑटोमेटिक मीन क्या आ गया फिफ्टीन पॉइंट फाइव आ गया ये आपके पास सिंपल है जब आपके पास कौन सी सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज तो ये दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनक्लासिफाइड सीरीज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा ये मेरे पास क्या आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि ये जो आपके पास वैल्यू है अगर मान लीजिए कि किसी पहले तो हमारे पास क्या था रोल नंबर वन का स्कोर कितना है टेन रोल नंबर टू का स्कोर कितना है थ्री रोल नंबर थ्री का स्कोर कितना है फोर अब ऐसा तो नहीं है कि हर स्टूडेंट का स्कोर जो है वो एक जैसा अलग अलग होगा हो सकता है कि कुछ एक रोल नंबर ऐसे हों जिनका अब मान लीजिए कि रोल नंबर टू का स्कोर भी थर्टी है रोल नंबर सिक्स का भी थर्टी है रोल नंबर सेवन का भी थर्टी है रोल नंबर एट का भी थर्टी है तो इसमें क्या है कि जब ए थर्टी थर्टी स्कोर आ गया तो हम क्या करते हैं कि अब हम देखें कि थर्टी स्कोर जो हो कितने स्टूडेंट्स का है जितने स्टूडेंट्स का है उतने उतने स्टूडेंट्स का आ, आ, उतने स्टूडेंट्स के उसको क्या बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास तीस नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स हुए तीन हुए तो उसको बैकवॉलूंगा फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरह से अब मेरे पास क्या आ गया एफ वन का मतलब है फ्रिक्वेंसी और X का मतलब हो गया कि जो मेरे पास नंबर है डिजिट है तो अब मेरे पास कौन सा डेट आ गया ग्रुप्ड और ग्रुप्ड में भी कौन सा आ गया डिस्क्रीट सीरीज आ गया तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू आई ड्रॉम वन टू एन लेकिन किसका एफ़ वन इंटू एक्स वन और उसको मैं डिवाइड किसके साथ करूंगा फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ उसको डिवाइड करूंगा और ये मेरा फार्मूला बन गया डिस्क्रीट सीरीज का आर्थमैटिक मीन कैलकुलेशन करने के लिए चलिए इसके भी उसी तरह से मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज आ जाता है अब कंटिन्यूस सीरीज कैसे होगा जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी टू फोर्टी इस तरह से लेकिन इसमें क्या है कि मेरे पास दो मेथड होते हैं एक होता है एक्चुअल मीन से एक होता है अज्यूम्ड मीन से अब ये अज्यूम्ड मीन का फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डी का मतलब होता है डेविएशन डेविएशन किससे डेविएशन होगी जो आपने एक मीन अज्यूम करके रखा जो मन में आपने अज्यूम कर रखा है उससे उस वैल्यू की जो डिफरेंस होगा उसको हम डेविएशन बोलते हैं डिवाइड बाई एन इन अब आप बोलेंगे कि ये जो आपके पास सी है ये ये हमारा ना एक तरह से एक शॉर्टकट मेथड चलता है इसमें और जब शॉर्टकट मेथड चलता है तो इससे सी से हम क्या कर लेते हैं एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो सी का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी क्लास इंटरवल विच इज़ डिनोटेड बाय सी ये क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सी बोलते हैं दैट इज़ टू बी नोन हेयर एज सी सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इन टू सी तो ये बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे तो चलिए पहले कैलकुलेशन ऑफ आर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट आर्थमेटिक मीन मार्क्स हैं जीरो टू टेन देखिए यहाँ से कंटिनूस सीरीज से पता लग जाता है कंटिन्यूस सीरीज हमेशा ऐसी होगी जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी फोर्टी थर्टी तो अब आप इसको पहले टेबल में फॉर्म में लेके आएंगे जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी ठीक जी अच्छा अब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू जो है उसको एक अज्यूम मान लीजिए जैसे यहां पर फोर्टी फाइव मान लिया सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो मिड वैल्यू जीरो टेन डिवाइड बाई टू टेन ट्वेंटी जीरो बाई डिवाइड बाई टू ट्वेंटी थर्टी प्लस कर लीजिए डिवाइडेड बाई टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ है टेन ट्वेंटी थर्टी एंड फिफ्टी अब हम क्या करेंगे डी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे किससे करेंगे ये मेरा एक्स है और ये मैंने फोर्टी फाइव और सी मेरा कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इसको और कंडेंस कर सकूँ कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए तो अब मैं क्या करूँगा कि फाइव माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टेन इच इज़ इक्वल टू फोर्टी माइनस फोर्टी डिवाइड बाई माइनस फोर हो गया फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव थर्टी डिवाइड बाई टेन माइनस थ्री सो ऑन सो फोर्थ माइनस टू एंड माइनस वन अब मैं एफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा डी के साथ ये मेरा डी आ गया तो टेन इंटू माइनस फोर फोर्टी ट्वेंटी इंटू माइनस थ्री सिक्सटी थर्टी इंटू माइनस टू सिक्सटी फिफ्टी इंटू माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टी ये मेरी कैलकुलेशन आ गई और अब मेरे पास ये कंटिन्यू फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी ये मेरी मिड वैल्यूज़ थी ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं अब जब मैं फ्रिक्वेंसी का टोटल करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि वन एट्टी है और मैं एफ डी का टोटल करूं तो वहां पे सिग्मा एफ डी मेरे पास आ रहा है माइनस वन हंड्रेड एंड एटी अब मेरा फार्मूला क्या है तो क्या हुआ जी फार्मूला मेरा अज्यूम्ड मीन कितना था फोर्टी फाइव और मेरा फार्मूला क्या था मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इन सी फोर्टी फाइव मेरा आप देखिए फोर्टी फाइव की जगह आपको मैं बता दूं अगर आप कोई भी वैल्यू जो मन में आपके आती है वो ले लीजिएगा और आपने घर में बैठ करके इस अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करिए रिजल्ट आपको सेम मिलेगा कोई भी वैल्यू आप ले लीजिएगा अज्यूम्ड मीन आप जीरो ले सकते हैं फिफ्टी फाइव ले सकते हैं हंड्रेड ले सकते हैं कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा यू विल गेट द रिजल्ट सेम आप ये असाइनमेंट आपके लिए तो फोर्टी फाइव प्लस माइनस वन एट्टी इंटू कॉमन फैक्टर क्या था टेन ये हम बाहर रखते हैं माइनस वन एट्टी डिवाइड बाई वन एट्टी तो ये वन इंटू टेन हो जाएगा माइनस टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू थर्टी फाइव तो मीन इज इक्वल टू थर्टी फाइव यह मेरे पास आ गया सीरीज का अच्छा अब मेरे पास क्या है कंटिन्यूस में कई बार आपके पास ये अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन आएगी जिसमें आपको लेस देन सीरीज बोलते हैं अब देखिए यहां पे मार्क्स लेस देन या अप टू कितने कहता टेन मार्क्स तक जिनके मार्क्स जीरो से टेन तक हैं तो तभी तो क्या बोला लेस देन वो कितने हैं टेन स्टूडेंट हैं ट्वेंटी और ट्वेंटी से नीचे कितने हैं थर्टी स्टूडेंट्स थर्टी और थर्टी से नीचे इसका मतलब थर्टी में सारे आ जाएंगे सिक्सटी फोटी से टेन तो ये वाले जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये क्यूमुलेटिव हैं अब ऐसे में अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो ऐसे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी तो आपको जो मार्क्स लेस देन या अप टू है उसको आपको क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये आपके पास सीरीज जो सीरी है वो क्यूमुलेटिव सीरीज़ है क्यूमिलिटी का मतलब ये थर्टी में टेन इंक्लूड है सिक्सटी में थर्टी टेन इंक्लूड है इस तरह से आपको सबसे पहले उसको क्लास इंटरवल में कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए वो भी देखते हैं तो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट लेस देन सीरीज इनटू टू कंटिन्यूस सीरीज एज फॉलोज जीरो टू टेन कितना था जी टेन और टेन टू ट्वेंटी अब आपके पास वहाँ कितना था थर्टी था ना तो थर्टी में से मैंने टेन माइनस कर दिया मेरे पास ट्वेंटी आ गया है. अब मेरे पास फ्रिक्वेंसी आ गई ट्वेंटी टू थर्टी सिक्सटी माइनस थर्टी वन हंड्रेड माइनस सिक्सटी फिफ्टी आ गया और ये कितना था वन फिफ्टी माइनस वन फोर्टी आ गया और वन एट्टी माइनस वन फिफ्टी इज इक्वल टू थर्टी आ गया मेरे पास इस तरह से क्या हुआ कि अब मेरी सीरीज जो है किस में कन्वर्ट हो गई लेस देन सीरीज अब किस में कन्वर्ट हो गई कंटिन्यूस सीरीज़ में जब कंटिन्यूस सीरीज़ में हो गई तो अब आपके पास क्या आ गया वही न्यूमेरिकल आ गया जो हमने पहले सॉल्व किया जीरो टू टेन टेन टन ट्वेंटी ट्वेंटी टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी अब आप क्या करिए कैलकुलेशन कर दीजिएगा और आपको दोबारा से जो आंसर है वो थर्टी फाइव आ जाएगा अब उसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ आर्थमैटिक मीन इन केस ऑफ मोर देन सीरीज अब आप ये देखिए अब मार्क्स मोर देन जब मोर दाने आ रहे हैं तो जीरो मोर देन सारे स्टूडेंट होंगे टेन में टेन स्टूडेंट हैं वो कम हो जाएंगे उसी तरह से ट्वेंटी में वन फिफ्टी ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया अब आपको बोला कि कैलकुलेट द दर्थमैटिक मीन नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट द दर्थमैटिक मीन इन इन दिस टाइप ऑफ द सीरीज तो उसके लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करने के लिए इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए ये कौन सी है आपके पास वन एट्टी वन सेवेंटी सारी की सारी है आपके पास क्यूमलेटिव सीरीज तो चलिए ये भी आपको सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये देखिए तो अस फर्स्ट कन्वर्ट मोर देन सीरीज इन टू कंटिन्यूस जीरो टू टेन कितना था वहां पे आपके पास ये देखिए वन एट्टी थे लेकिन अब क्या है जीरो टू टेन तो जीरो टू टेन के लिए क्या करना पड़ेगा वन एट्टी माइनस वन सेवेंटी जो फिगर आपकी है उससे नेक्स्ट फिगर में से आपको माइनस करना है उसी तरह से टेन टू ट्वेंटी वन सेवेंटी माइनस वन फिफ्टी ट्वेंटी टू थर्टी वन फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी फिफ्टी वन ट्वेंटी माइनस सेवेंटी माइनस थर्टी फोर्टी और थिट्टी माइनस जीरो टू थर्टी तो अब दोबारा से क्या हो गया जी यही आपके पास दोबारा से वही न्यूमेरिकल बन गया जो हमने पहले सॉल्व किया था तो आपके पास क्या है आप दोबारा से आप वो मेथड लगाइए और फार्मूला लगाइए आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू थर्टी फाइव अब अगर एक और एक्सपेरिमेंट देता हूँ अगर आप थर्टी फाइव ले लेंगे मान लीजिए कि आपने ज्यूम मेन थर्टी फाइव ले लिया तो देख लीजिएगा कि आपके पास भी रिजल्ट सेम आएगा और आपको जो डेविएशन का जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ आर्थमैटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज अब ये इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है देखिए दो तरह की सीरीज होती है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव इससे पहले जो है मैंने आपसे बात करी तो जीरो टू टेन उसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज अब आप आपने देखा होगा कि जो टेन था वो टेन दो जगह आ रहा था जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी लेकिन हम क्या करते हैं कि जीरो टू टेन में सिर्फ नाइन तक वहाँ लेते हैं और आगे वाली फिगर जो टेन वाली है वो नेक्स्ट उसमें लेते हैं लेकिन यहाँ इंक्लूसिव सीरीज में आप देखिए कि वो फिगर जो है एक दो दोबारा रिपीट नहीं होगी जैसे वन टू टेन है टेन है उसके बाद क्या आ गया इलेवन टू ट्वेंटी अ देखिए टेन यहाँ नहीं आया इलेवन टू ट्वेंटी उसी तरह से ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू फिफ्टी फिफ्टी वन टू सिक्सटी इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं अब सबसे पहले अराइज होता है कि ये जो इंक्लूसिव सीरीज है इसका अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो उस अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए भी आपको इस सीरीज को भी दोबारा से कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब आप बोलेंगे ये सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल है देखिए कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है अब जैसे मान लीजिए कि ये टेन और इलेवन के बीच का डिफरेंस है कितना हो गया जी वन वन जो डिफरेंस है उसको आपने टू से डिवाइड करना है जब टू से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ गया जीरो पॉइंट फाइव जब जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा तो जो आपकी बेस वाली फिगर है यानी कि पहली फिगर है जैसे वन फिगर है वन टू टेन है तो उसमें से ज़ीरो पॉइंट फाइव को माइनस करना है और टेन में जीरो पॉइंट फाइव को प्लस करना है तो आपके पास फिगर आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट फाइव उसी तरह से आप इलेवन टू ट्वेंटी में आ जाइए इलेवन में से आप क्या करेंगे जीरो पॉइंट फाइव जीरो माइनस करेंगे और ट्वेंटी में इसको प्लस करेंगे तो मेरे पास फिगर आ गई टेन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव उसी तरह से ट्वेंटी वन में से पॉइंट फाइव माइनस करेंगे और थर्टी में प्लस करेंगे थर्टी वन में से माइनस करेंगे फोर्टी में प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा ये कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और देखिए ये कन्वर्ट होकर के आपके पास आ गया ये देखिए जीरो पॉइंट फाइव टू टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी अब देखिए क्या बन गया इंक्लूसिव सीरीज अब मेरे पास मिड वैल्यूज आ गई इनकी मैं मिड वैल्यूज कैलकुलेट करी दोनों को प्लस किया टू से डिवाइड किया और फाइव पॉइंट फाइव नंबर ऑफ स्टूडेंट टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी फोर्टी थर्टी अच्छा अब मेरे पास यहाँ पॉइंट्स में है अगर मैं पॉइंट्स में है तो मैं इस पॉइंट्स को उड़ाना चाहता हूँ और इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं जो अज्यूम्ड मीन है वो ऐसा लूँगा जिसकी जो पॉइंट्स में हो जिसकी वजह से मेरा पॉइंट ख़त्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया फोर्टी ले लिया अब मैं एक्स माइनस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टेन कर दूंगा कॉमन फैक्टर सी अब देखिए फाइव पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव कितना रह गया फोर्टी फोर्टी को मैं टेन से डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो सो ऑन सो फोर्थ एफ डी क्या हो गया ये मेरा डी है और ये मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के फ्रिक्वेंसी है, है तो फ्रिक्वेंसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनस फोर्टी माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी फोर्टी थर्टी और इस तरह से एफ डी कितना हो गया माइनस वन हंड्रेड एंड एट्टी हो गया तो मेरा फार्मूला क्या होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इन सी तो मेरे पास फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस माइनस वन एट्टी डिवाइड बाई वन एट्टी वन एट्टी से वन एट्टी हो जाएगा माइनस वन माइनस वन को मैं टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास माइनस टेन आ जाएगा माइनस टेन से माइनस करूंगा तो फोर्टी फाइव माइनस फाइव इजकल टू थर्टी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव जो है वो इसका आंसर आ जाएगा क्लियर हो गया जी यहाँ तक ओके तो उसके बाद है हमारा कैलकुलेशन ऑफ आर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ द कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज वैन क्लास इंटरवल्स आर अनिकवल अच्छा अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या था जीरो थर्टी इनके जो क्लास इंटरवल्स हैं उन क्लास इंटरवल्स में जो लोअर क्लास की वैल्यू थी और अपर क्लास उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो इक्वल था लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया जीरो टू टेन टेन है टेन टू थर्टी ट्वेंटी का डिफरेंस आ गया थर्टी टू फोर्टी टेन का डिफरेंस है फोर्टी टू फिफ्टी टेन का डिफरेंस है फिफ्टी टू सिक्सटी टेन का डिफरेंस है लेकिन अगर आप देखें तो एक जो आपका जो क्लास इंटरवल है वो टेन टू थर्टी है तो अब ऐसे में अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तब तो आपको परेशानी होगी अब परेशानी है तो उस परेशानी को हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ये प्रज्यूम करते हैं कि सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो ए, सेम होती हैं अगर सेम होती हैं तो इसका मतलब है कि हमें पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा क्लास इंटरवल को इक्वल करना पड़ेगा और इक्वल करने के लिए क्या करते हैं तो लिखा है हमने कि सिंस क्लास इंटरवल्स आर इन इक्वल मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल ऑन द दम्पन डेट दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्लास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसलिए टेक लेटेस्ट एक फाइव तो देख लेते हैं क्या करेंगे ओके अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या किया जीरो टू टेन है और क्या था टेन टू थर्टी कितना था सिक्सटी था लेकिन हमने क्या समझा कि बराबर है जब बराबर है तो सिक्सटी को टू से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया तो थर्टी थर्टी आ गया जब थर्टी आ गया तो मेरा क्लास इंटरवल क्या हो गया टेन टू ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी टू थर्टी भी थर्टी हो गया थर्टी टू फोर्टी फिफ्टी इस तरह से क्या हुआ कि मैंने जो अनईक्वल सीरीज़ थी वो उसको भी मैंने क्या कर दिया इक्वल कर दिया जब इक्वल कर दिया तो मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे जो अज्यूम्ड मीन ले रखा है वो ये फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव नहीं होगा ये फोर्टी फाइव होगा इसकी थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा आप तो एक्स माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टेन कितना हो गया जी माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन ये टाइपिंग मिस्टेक है और एफ डी मेरे पास ये आ गया तो सिग्मा एफ डी इज एक टू टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैं फार्मूला पुट करूंगा मीन इज एकल टू ए प्लस एफ डी डिवाइड बाई ए का मतलब ज्यूड मीन फोर्टी फाइव प्लस माइनस टू हंड्रेड ट्वेंटी जो मेरा सिग्मा एफ डी आया इन टू टेन

तीस रुपये है उसी तरह से ट्वेंटी वर्कर्स की दूसरी फैक्ट्री में फिफ्टीन रुपीज़ है तो कहता हैं फाइंड आउट द एवरेज डेली वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ बोथ द फैक्ट्रीज अब मेरे पास दो फैक्ट्रीज की दो एवरेज दे रखी हैं और मुझे सारे वर्कर्स की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कंबाइंड आर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखिए कंबाइंड आर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए मुझे चाहिए कि ये जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है कि दो फैक्ट्रीज की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं अगर अब दो हैं तीन हैं कोई भी डेटा हो सकता है यहाँ पर फैक्ट्री हमारे पास दो हैं तो क्या करेंगे जो मेरे पास फर्स्ट फैक्ट्री है उसको मैं एन वन बोलूँगा जो सेकंड फैक्ट्री है उसको मैं एन टू बोलूँगा तो और उसने एवरेज दे रखी है आपको एवरेज क्या है फर्स्ट फैक्ट्री की एवरेज सैलरी थर्टी है और

और उसका मीन वैल्यू कितनी है थर्टी तो टेन इंटू थर्टी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस एन टू इंटू मीन टू एन टू मेरे पास ट्वेंटी है और ये मेरे पास फिफ्टीन है तो ये मेरे पास कितना हो गया जी थ्री हंड्रेड हो गया तो थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई एन वन एन टू और टेन प्लस टू थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी इसका मतलब बीस रुपया जो है दोनों फैक्ट्रीज में जितने भी वर्कर्स लगे हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है ट्वेंटी है अच्छा अब उसके बाद मेरे पास आ जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन वेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है देखिए वेट स्टैंड फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज जनरली हम क्या करते हैं जब इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन करते हैं या आपका बर्थ रेट और डेथ रेट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो जनरली हम वेट uh, यानी कि एक आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है उस सीरीज में कितनी इंपॉर्टेंस है उसको हम कितना वेट देंगे तो इसका मतलब है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन रेफर्स टू द अर्थमैटिक मीन कैलकुलेटेड साइनिंग वेट्स टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इट इज़ सुटेबल द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइट ऑफ वेरियज नॉट द सेम इसका मतलब है कि जब जो इंपॉर्टेंस है वो एक वैल्यू well, एक आइटम की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है एक की कम है तीसरे की ज़्यादा है चौथे की कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हम उसको वेट दे देते हैं तो वेट का मतलब यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स अब जितने भी आर्थमेटिक मीन हमारे पास हैं उनको हम वेट दे देते हैं वेट असाइन कर देते हैं और उसके बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं अब जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट पर यूनिट है जैसे सपोज कीजिए कि की आप वन थाउजेंट यूनिट खरीदते हैं तो हो सकता है कि कॉस्ट आपकी फोर रुपए हो अगर आप टू थाउजेंट यूनिट परचेज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो और कम हो जाए अगर आप सिक्स थाउजेंड तो कॉस्ट और कम हो जाएगी इस तरह से क्या है कि जो यूनिट्स होंगे आपके पास वो वेट हो जाएंगे और कॉस्ट आपके पास वो वे एक्स वेरिएबल होगा तो वेटेड अर्थमैटिक मीन स्पेशली यूजफुल इन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्टैंडर्डाइजिंग बर्थ एंड डेथ रेट और ये मेरे पास वेटेड अर्थमैटिक मीन ये आपके पास सिग्मा एक्स डब्ल्यू जो वेरिएबल है और डब्ल्यू मीन्स वेट इसलिए इसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन विच इज़ इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इज वेट एक्स इज द वेरिएबल डिवाइडेड बाई द समीशन टोटल सम ऑफ वेट्स नाव वट आर द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमैटिक मीन और ये खास करके कई बार मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अगर आप हर आइटम का डेवियशन अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो उसका जो टोटल होगा वो ज़ीरो होगा मैंने आपको पहले भी बताया आप जो क्वेश्चन हमने 45 का ज्यून मीन लिया है वहाँ पे अगर आप 35 फाइव अज्यून मीन लें और फिर अगर आप कैलकुलेशन करें तो देख लेना आप सिग्मा एक्स माइनस मीन का जो टोटल होगा वो जीरो के बराबर होगा द सम ऑफ द स्केर डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम और द लीस्ट ये आगे जा करके आपको बहुत हेल्प करेगा मैं आपको बता देता हूँ अगर मान लीजिए कि आपके पास मीन है मीडियन है मोड है और आपको वेरिएबल से अगर आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करिए कि मीन से डेविएशन लीजिए मीडियन से डेविएशन लीजिए और मोड से डेविएशन लीजिए और तीनों से डेविएशन लेकर के आप उसका स्क्वायर करिए और स्क्वायर करने के बाद तीनों वैल्यूज को कंपेयर करिएगा आपके पास जो अर्थमेटिक मीन से आपने जो डेविएशन लेकर के जब उसका स्क्वायर किया होगा तो जितने भी डेविएशंस लेकर के स्क्वायर करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा उनमें सबसे कम जो टोटल होगा वो अर्थमेटिक मीन से होगा दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी द फार्मूला ऑफ आर्थमैटिक मीन कैन बी एक्सटेंडेड टू कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज ऑफ टू आर मोर रिलेटेड अभी आपके सामने बताया दो फैक्ट्रीज थी दो तरह के वर्कर्स थे उस तरह से तीन फैक्ट्रीज तीन तरह के वर्कर अगर आपको कंबाइंड कैलकुलेशन करनी है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द आर्थमैटिक मीन अच्छा अब उसके बाद क्या है कि मैं आपको बता दूँ इसको शॉर्ट में बताऊँ इट इज टू बी नोन हेयर हैज चेंज ऑफ स्केल ये क्या ये क्या चीज़ होती है यहाँ पे इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या चीज होती है अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप जो आपके पास वेरिएबल्स दे रखे हैं अगर उन वेरिएबल्स में मान लीजिए टू थ्री फोर फाइव है अगर उसमें आप प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर दें और फिर आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो कहता कि जो आपका अर्थमेटिक मीन है उसमें भी अगर सीधा ही आप प्लस वन ऐड कर दें तो रिजल्ट जो है वो सिमिलर होगा उसी तरह से आपके पास जो वेरिएबल है उसमें से अगर आप सी कांस्टेंट लेकर के हर वैल्यू में से एक सेम कांस्टेंट माइनस कर दें तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है उसी कॉन्स्टेंट से आप उसको भी माइनस कर दीजिए तो ये भी आपके पास उसी तरह से अगर आप आपके पास कोई अर्थमेटिक मीन आया है और अर्थमेटिक मीन में हर वेरिएबल को अगर आप किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके अर्थमेटिक मीन मत कैलकुलेट करिए लेकिन सीधा आप मीन से ही उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या डिवाइड कर दीजिएगा यू विल गेट द सेम रिजल्ट फॉर इट दिस इज़ द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस तो जिसको कि और ये प्रॉपर्टी जो है हमेशा हम जनरली यूज करते हैं ओके आफ्टर दैट व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर डिवाइडेड बाई अ द दर्थमैटिक मीन आल्सो डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी ये मैंने अभी आपको डिविजन और मल्टीप्लिकेशन की बात की थी ओके okay. और ये ये जो आपके पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आगे जा कर के बहुत काम आएगी आपके पास वट आर द मेरिट्स ऑफ आर्थमेटिक मीन तो अभी तक हमने जो कैलकुलेशन करी मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट तो हम इसका एनालिसिस करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सैम्पल्स अभी तक आपने देखा हमने किसी को इग्नोर किया नहीं किया इट इज़ रीजली डिफाइंड बाई द मैथमेटिक फार्मूला सो दैट द सेम आंसर इज डिराइव फ्रॉम एवरी वन कंप्यूट सिट मैंने पहले भी बताया आपको बताया था कोई भी फार्मूला लगा लीजिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा सेम मिलेगा इट इज कैपेबल फॉर फर्दर अल्जेप्रिक ट्रीटमेंट सो दैट इट्स यूटिलिटीज इज एनहांस्ड फर्दर अल्जेट्रिक ट्रीटमेंट का मतलब है कंबाइंड आर्थमेटिक मीन सो द फार्मूला फॉर आर्थमेटिक मीन कैन बी एक्सटेंडेड टू कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज ऑफ टू और मोर रिलेटेड सीरीज आप अभी अब तक हमने टू सीरीज का किया था आप तीन थ्री का कर लीजिए फोर कर लीजिएगा तो मेरा फार्मूला अगर वन टू था तो थ्री तक चला जाएगा एक्स वन इंटू एन वन प्लस एक्स टू एन टू प्लस एक्स वन एक्स थ्री प्लस इन टू एन थ्री डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू एन थ्री तक चला जाएगा आपके पास इट हैज़ सैम्पलिंग स्टेबिलिटी इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाई द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन जो मैंने पहले भी बात करी आपसे कि सैंपलिंग स्टेबिलिटी आप किसी भी कॉर्नर से सैम्पल उठा करके देख लीजिएगा इसके रिजल्ट में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा हाँ अब उसके बाद आपकी क्रिटिसिजम ज़रूरी है इट इज़ अफेक्टेड विद एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आपके पास जैसे आप सचिन तेंदुलकर का एक जगह ज़ीरो है एक जगह टू सेवेंटी एट है तो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया हम फिफ्टी टू में अब अगर मान लीजिए कि टू सेवेंटी एट तो एक ही टाइम में कभी मारे होंगे तो उस केस में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक तरफ वैल्यू है जो है वो जीरो आ जाए और एक तरफ एक लाख आ जाए तो एक लाख बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं जबकि बाकी की वैल्यूज जो है वो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है तो आपके पास जो मीन की वैल्यू होगी तो कहीं पे भी बीच में स्टैंड नहीं करेगी इसलिए चाहे वो बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज़ है लेकिन अगर बहुत ही छोटी आइटम बहुत बड़ी आइटम है तो आपकी अर्थमेटिक मीन को वो अफेक्ट करती है अगर आपको क्वालिटेटिव फिनोमिनन स्टडी करना है जैसे मान लो ब्यूटी कंटेस्ट में ब्यूटी देखना है फैशन है ट्रेंड देखना है तो इट मीन वैल्यू इज़ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड तो आज हम मीन तक ही की डिस्कशन करते हैं उसके बाद हम आगे मीडियन की तरफ को बढ़ेंगे लेकिन मीडियन को पढ़ने से पहले फिर हम जो मीन है उसके क्या जो डिसएडवांटेज हैं उसकी हम एक केस स्टडी बनाएंगे और केस स्टडी बना करके फिर हम उसकी शॉर्टकमिंग उस केस स्टडी की हेल्प से आपको हम शॉर्टकमिंग बताएंगे और शॉर्टकमिंग बताने के बाद फिर हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे so आज हम इसको यहीं